इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने ग्रो में अकाउंट बनाया है या आप लोग बनाना चाहते हैं, कि आप लोग ग्रो में किस तरह से फर्स्ट टाइम आप लोग स्टॉक को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बस सबसे पहले क्या करना होता है, आप लोगों को ग्रो में सबसे पहले जाना है। अगर गाइस आप लोगों ने ग्रो में अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोग आई बटन पे क्लिक करके या आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पैसे ऐड करने होंगे। ग्रो को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड मनी का, सिंपल आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप पैसे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर विड्रॉल भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ से ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करना है। अब आप लोग को जितने भी पैसे ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने गूगल पे से या फोन पे से। तो जैसे गाइस आप लोग अपना पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आ जाता है फर्स्ट टाइम में, और आप लोगों को यहाँ पर दिख जाता है निफ्टी 50 और आप लोगों को लास्ट में दिख जाता है बैंक निफ्टी। और कुछ फीचर्स और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सप्लोर, होल्डिंग, पोजिशन। ये चीज़ें सब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। और गाइस यहाँ पे स्टॉक भी आ जाते हैं। और गाइस आप लोग अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, आई होप आपको ये चीज़ पता भी होगी। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं या आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद भी आप लोग यहां पर वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया था पीछे। तो यहां पे आपको जाना है और आप लोग यहां पर सर्च करने के बाद इनको सबको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग वॉच लिस्ट में जाके आप लोग इनको यहां से बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया फॉर एग्जांपल स्टॉक, और आप लोग इसका यहां पर क्लिक करने के बाद आप उसका ग्राफ भी देख सकते हैं और उसके बाद आप लोग बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि गाइस आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है सेल का और बाय का, तो यहां पे आपको बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब गाइस जैसे ही आपने यहां पे बाय पे क्लिक किया यहां तो आपका स्टॉक आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, तो और उसके बाद आपको डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी में क्या है गाइस, आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, इंट्राडे में आपको आज ही बाय करना होता है और आज ही सेल करना होता है। उसके बाद क्वांटिटी का आ जाता है, यहां पर आप लोगों को क्वांटिटी एंटर करनी होगी, कितने स्टॉक आपको बाय करने हैं। और यहाँ पे आपको प्राइस में मार्केट के अकॉर्डिंग जाना जाते हैं या लिमिट के अकॉर्डिंग जाना जाते हैं। जब भी लिमिट आपकी होगी ये उस टाइम में बाय होता है गाइस। और उसके बाद बाय पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना होता है, ये स्टॉक आपके बाय हो जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये ऑर्डर में आ जाते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ऑर्डर में जाके या आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक करके आप इनको सेल भी कर सकते हैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करने के बाद। वही चीज़ आपको गाइस करनी होगी, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप लोग अपना यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे या आप लोग लिमिट के साथ जाना चाहते हैं या आप लोग मार्केट के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी होती है। सिंपल बस आपको सेल या बाय पे क्लिक करना होता है, प्रोसेस बिल्कुल गाइस सेम होगी।